मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यार फाइनलाइजिंग लैम्बोर्गिनी यूरस। सही में? ये मेरा दिल जी के जाए क्यों गए हो बराए। यार ये चैलेंज है ऊपर एल्विश भाई को कि 10 तारीख से पहले पहले बस टैंक जीटी लेकर के आते। Hey guys, good morning, welcome back to the new episode. आज जिस व्लॉग की शुरुआत गाइस थोड़ी जल्दी हो रही है। एक्चुअली मैं ना सुबह उठ गया था। भाई आधे घंटे में मिलते हैं। आधे घंटे में मैं जैसे भी व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? आधा घंटा वेट कर सकते हो? मैं जैसे भी गाइस सो के उठा था, मुझे लग ही रहा था कि फैंस वेट कर रहे हैं। बेचारे ना लोग पता नहीं कब कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पर। एट द सेम टाइम गाइस हम लोग दुबई मीटअप प्लान कर रहे हैं कल का 29 का। एंड द थिंग इज गाइस मैं मीटअप की लोकेशन भी बता दूंगा इस वाले ब्लॉग में, बिकॉज बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। एंड द थिंग इज मैं आपको बता देता हूँ, आज का ब्लॉग थोड़ा सा ऑफशोर है, बिकॉज कल ना हमारे फ्लैट में सबकी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी भी तबीयत खराब हो गई थी। और लुक एट आवर बीमार पेशेंट गाइस। और भाई बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है, और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का शॉक शेक पीना है। गाइस कल मैं आपको बता देता हूँ कल क्या सीन है। कल तो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म हो गया हमारा, हम लोग मिले थे गाइस 4 बजे लास्ट, और उसके बाद 4 बजे हो गई गायब। और ये ना अब इसकी बेस्ट फ्रेंड है हया, तो ये उसके फ्लैट में चली गई। तो मेरे को लगा कि कुछ बात होगी, फिर 1 घंटा भी था, फिर 2 घंटा भी था, 3 घंटे 4 घंटे भी गए, ये वापस नहीं। फिर इसकी बहनों ने मेरे को बताया कि हया की तबीयत खराब हो रही है, बट एक्चुअली में गाइस इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही कल। एंड इसने मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं, ये बदला याद रहेगा। इसने मेरे को इसलिए नहीं बताया। बहुत परेशान, परेशान का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ यहाँ पर? फिर अनसंट स्टोरी बता रहे लोग मेरे को, बोल रहे हैं कोई बन को बोल रहा है हया की तबियत खराब हो गई, कोई मेरे को बोल रहा है शांजा की तबियत खराब हो गई। एंड मैं फिर हया के रूम में जा रहा था, बट ऑब्वियस बात है ना आफ्टर रिस्पेक्टिंग देम प्राइवेसी, तो मैं गया नहीं उसके रूम में। बट फिर व्हाट हैपेंड, अली से मैं बोला भैया इधर मत आओ भैया, अली हया की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और तबियत खराब होती थी इसकी, एक बजे टेक्स्ट करा होगा ना तो एटलीस्ट ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ। ओके मैं अगली बार, फिर मैं इस बार टेंशन हो गई ना, अगली बार मैं होटल में कर रही हो इतना फालतू बात, ये तो याद रहेगा मेरे को। या तो क्या हो गया? गाड़ी सर्विस करा ली भाई, आसाम राइड शुरू करनी है। एक्सटेंशन करवा लिया, कोई नहीं आके कुछ नहीं करवाएंगे, एक्सटेंशन से तो कुछ नहीं होगा। और अपनी गैंग जा रही है जीटी को देखने के लिए, जीटी का मॉडिफिकेशन का काम, मतलब जो वो डैमेज हुआ था ना जयपुर वाले मीटअप पे, वो अभी सब कुछ सही हो रहा है। एंड 2 तारीख को हम लैंडिंग बैक, 3rd 4th से आई गेस हम लोग आसाम राइड शुरू कर देंगे, त्रिपुरा राइड शुरू कर देंगे, लखनऊ राइड शुरू कर देंगे। क्या क्या ओके गाइस, इसका बस चले तो पूरा महीना यहाँ रख ले, बट रेंट तो लोगी ये बहुत अच्छी, जिन्हें पता है गाइस उन्हें पता है। तो डायलॉग ये था कि पैसे तो नहीं दोगी, गाइस ये ना एक तो ऐसे गाली देने आती है, अनसेंट बातें बोलती है बस। असली गाली दी है मैंने, असली गाली, बीबी बीबी लेके मत मेरी गालियां सारी। गाइस तो फिलहाल के लिए नाश्ता करते हैं, एंड आज का प्लान देखते हैं क्या करना है। आज हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, और फिर कल हम लोगों को गाना भी शूट करना है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर हम लोग कैंसिल कर देंगे। ओके गाइस नाश्ता करते हैं। तो गाइस की तरह को मैंने ना कुछ स्टिकर
us out. इसको ना हिंदी पढ़नी नहीं आती. ये क्या लिखा है? मुझे तो लाइनें नहीं पता. क्या लिखा है? मुझे हिंदी पढ़नी आती है. ये पता है ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? जहर. कतई. कतई जहर. और ये लिखा है? ये क्या लिखा है? और ये लिखा है ऐसे उठाऊंगा और ऐसे पटक दूंगा. उर्दू आती है, ऐसे हिंदी पढ़नी नहीं आती. एक लाइन लिखता हूँ, बताना उसका मतलब क्या. ठीक है? खूब बालवासी. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. क्या बच्चे समझ रहे हो? क्या मेरे को सब में आता है. मी हजुरली डेरी मैं अगर छू. ये क्या लिखा है हिंदी में बताओ? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुछ तो बताओ. कुछ तो समझ में आ रहा है बस. मैं मुझे और गाइस इकरा की 6 बहनें थी बट अब 5 बहनें हो गई हैं. एक ही बहन है ये? वो अडॉप्टेड है. सच्ची में? अनु मैं झूठ बोल रही हूँ? किसी की थी, इन लोगों ने मुझे देख लिया. इनके अम्मी ने मुझे लिया. झूठ बोल रहे हैं तो झूठ. अरे यार सच्ची में मैं आपको बता रहा हूँ क्या. हाँ जैसे उसका रूम पता नहीं कहाँ बता दिया तुम. अरे सच्ची किसी की तबीयत कहाँ खराब होती तुम किसी का बता देती हो. सच्ची में मैं ये मेरी सगी बहन नहीं है, मैं एक ही हूँ. ये चारों बहने हैं, मैं एक बहन हूँ. और मेरी शक्ल से नहीं लगता मैं इनकी बहन लगती हूँ. डेटा पड़ा मालिक उसमें भी ब्रांड्स का. अब इसकी फैंस बताओ ये कैसे लग रहे हैं इन बालों में. सो गाइस आज मेरा हेयर मेकअप करा है इन लोगों ने. अच्छे लग रहे हो इनके. मैं वो लग रहा हूँ अनजाना वाना ना भाई हमारा साथ बिलाल से इतनी लड़ाई थी बचपन में. मुझे लगा दिल वाले पूछ देने चाहा. कमेंट करके लोग बताएंगे कैसे लग रहे हैं. बस मतलब ठीक-ठीक से लग रहे हैं. बस अच्छा लग रहा है. क्या लग रहा हूँ? मैं बम बोल रही हूँ. सो गाइस ये मैं बिलाल सईद बन चुका हूँ. कौन सा गाना था उसका बिलाल सईद का फेमस गाना बताओ. वो तो पाकिस्तान का है ना. कुछ तो वही पता. दिल वाले पूछ देने चाहा. हे गाइस तो ये हमारा नया मेकअप. नहा लो ना हफ्ते में एक बार. नहा लो चल रहा है. नहीं आपको ऐसा अच्छा लगता है इस पर. फैन फॉलोइंग है इसको बता दो कि ऐसे अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कसम से वो तुम्हें ये बात बोलेगा ना कि इसमें अच्छे भी लगे वो तुमसे जेलस हो गया समझ लेना. बहुत अच्छा लगता है. ओके गाइस कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कौन लग रहा हूं. टिकटॉकर. टिकटॉकर नहीं बनना. गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कैसे लग रहा हूं. फिलहाल अभी नीचे सब्सक्राइब इसका ऐसी फोटो के सामने आते. सच्चाई में लग रहा ना कहीं हम लोग जाने वाले नीचे और ये मिलने थोड़ा सा खतरनाक मोमेंट होने वाले. बिकॉज मैं सवाल लेकर के कभी बाहर नहीं निकलूँ बट कॉन्फिडेंस फुल है गाइस. मैं चड्डी में भी नीचे जा सकता हूँ. चड्डी 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 नीली चड्डी पीली चड्डी सही लग रहा हूँ ना. सच्ची बताओ बट गाइस ऑनेस्टली दुबई से जो प्यार मिला है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई. फ्लैट के नीचे लोग 8-8 10-10 घंटे वेट कर रहे हैं. ये तो सुबह कितने बजे से खड़े हैं. सॉरी बट मेरे को भी एडिटिंग करनी होती है. आपको पता है. थैंक्स अ लॉट. बहुत लोग प्राइवेसी भी समझते हैं. आज को मीटअप की लोकेशन अनाउंस करी एंड गली के बाहर ही मिलते हैं. कल मिलते हैं है ना. यहीं पे कर लेते हैं. कौन सा पुलिस आ रही है? 10 लोगों में क्या पुलिस आएगी? आंखों से मेरी तुम बह गए हो साहिबा. रूठा मैं कुछ ऐसा. ये देखिए ये सर कितना खुश हो रहा है. भाई मेरी खुशी लग रही है. बाबू भैया ऐसे बाल रखेंगे. अगर लोगों ने बोला कि बाबू ऐसे बाल रखेंगे 10,000 कमेंट. आई विल डू इट. मेरे लोग मैं एक एक
लाख कमेंट करते हैं, तो मैं ऐसा वो देख दे, तो मुझे पता है मैं हारना है, तो मैंने भाई 10 सारी बोल के खत्म कर दी। ये लोग अगर अच्छी लगी तो फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही नेक्स्ट टाइम और कलर भी गला देंगे ब्लू। नो नहीं जो कर रहे हो अच्छी लग रही है, मैंने एटीट्यूड आ चुका है गाइस। मेरे में बहुत एटीट्यूड आ चुका है, मेरे सब्सक्राइबर्स बोला बाबू भैया बहुत सुंदर लग रहे हो आज, और उन्होंने भी बोला ऐसा लग रहा है आप नहा करके आए हो। बताओ ना पहली बार ही आया हूं मैं, कल नहा गया था मैं सुंदर 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 कराज। बताओ मेरी कितनी मेहनत लगी है और मेरे को कितना दर्द हुआ वो भी तो बताओ। वो तो छोड़ो जो जानबूझ के करा है, ये जानबूझ कर रोज लोगों को दिखाते हो ना कि मैं मेकअप लगाती हूं, बिना मेकअप के भी मैं तुमसे अच्छी हूं। वो तो हो ही, तुम इतना इतना गोरा मैं होता ना मैं मॉडल बन जाता, बता तुम्हें अभी लोगों को जानती नहीं, मुझे पता नहीं लोग कहाँ हैं, मॉडल्स कहाँ से बनते हैं, कहाँ जाते हैं। ये खराब तरह से आप ठंड पड़ गई है। ये मेरा दिल चीख जाए क्यों हो गए हो पराए, तुम ही से बस था मेरा ये रब। सो है ब्लू जी, फाइनली गाइस बाबू भैया हो चुके रेडी, हम लोगों ने कुछ रिव्यू शूट करी थी, उसके बाद मैं अंदर आकर के सो गया था, एक तरह की तबीयत रिकॉर्ड फिर से तोड़ेंगे अपने चैनल के, बट थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने हर एक ब्लॉग के लिए। पूरे इसका मैंने पता करा था कि इस गर्ल 29 को हम लोग पूरे इसकी टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम में चले गए दुबई में सारी लग्जरीज का आया था बुट है, तो बस वही कंसर्न, कल अगर पूरे मिल गए तो हम लोग इसकी टेस्ट राइड लेंगे। फिलहाल भी कर टेस्ट कर लिए, मैं जाता हूँ गाइस काम खत्म करके आता हूँ, एंड फिर 12 बजे अली भाई भी आएंगे, तो आज बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। तो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर, और चेक दिस आउट, वी हैव गॉट द होल गैंग, वी हैव गॉट एल्विश भाई, कटारिया भाई, भाई आपका जय भाई, मैं थोड़ा सा कम मिला हूं गाइस इस गैंग से, बट कटारिया भाई तो चुप्पी हो गई थी, लोग कमेंट कर रहे थे एल्विश भाई का चैलेंज बता है एल्विश भाई, भाई मुझे चैलेंज दे दो मैं स्टक ला रहा हूं। गाइस तो खुला चैलेंज है एल्विश भाई को कि ये मस्टैंग जीटी लेकर के हैं, ये जी वैगन खरीद रहे हैं, बट अब बाबू भैया के साथ एल्विश भाई के पास भी मस्टैंग होगी और दो खतरनाक मस्टैंग हो जाएगी फिर इंडिया में, इतना जी वैगन के लिए जा रहे हैं। देखो मैं बोलता हूँ जी वैगन अच्छी गाड़ी है, बट जो मस्टैंग की फील है ना V8 इंजन फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। क्या आ रहा हूँ एल्विश भाई, कब पहुँचो? 3 ना, मैं 5 को डेली आ रहा हूँ, तो मैं गाड़ी लेकर के आऊँगा, सही है, और 10 तारीख से पहले मैं चैलेंज पूरा कर दूंगा। किस 10? मस्टैंग जीटी मतलब लेकर? हाँ भाई, शोर बताओ, शोर बता रहा हूँ यार, ये चैलेंज है ओपन एल्विश भाई को कि 10 तारीख से पहले पहले मस्टैंग जीटी लेकर के आ जाए, फिर एक ड्रैग रेस भाई तुम्हारी ट्यून है यार। लाल अभी हम लोग जा रहे हैं इस मीना बाजार, बिकॉज कटारिया भाई को फोन लेना है, और फिर हम लोग एक शॉप भाई पे जाएंगे, हमारे गाइड है कि यहाँ से दिलाऊंगा। मैं एप्पल स्टोर से भी दिलाने के लिए बोला, बट गाइस वो थोड़ा सा दूर है, अभी अली भाई की छुट्टी होगी 12 बजे, एंड टुमारो भी आई गोइंग शूट, आपको पता है हमारा म्यूजिक वीडियो का शूट है। फिलहाल अभी चल रहा है इस मीना बाजार, एंड फोन देखते हैं वहाँ से कौन सा बेस्ट मिलता है, क्या डिस्काउंट मिलता है। तू छूट के बिना तू मुझसे छूट पाई है, तू जिस्म से उतर के रूह में समाई है। यार सीनियर हम लोग आए थे फोन लेने के लिए, बट वड़ा ब्रांड यहाँ पर ना थोड़ा सा ओवर प्राइस मिल रहा था, मैंने अली भाई को कॉल करा तो वहाँ पर डिस्काउंट लगा के ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 14 Pro Max 256 GB यू विल गेट अराउंड लाइक 4,800 dirhams, एंड स्टोर में डिस्काउंट के बाद मतलब नोन के थ्रू यू विल गेट लाइक 13% डिस्काउंट, जो कि आपको पड़ जाएगा 4,000 dirham का, बट अभी अवेलेबल नहीं था तो हम लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, एंड मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन में आ जाएगा। टुडे इज 28 तो 29, 30, 31, तीन हम 4 दिन हैं हम यहाँ पर, तो तब तक आ जाना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग आए गाइस एक सुंदर जगह में, एल्विश भाई करवा लें अपना बियर्ड सेट, और इसके बाद मैं भी करवाऊंगा गाइस, बिकॉज करवा लें। हाँ UK05 सब क्या हाल चाल? बढ़िया, सेम। पहले हमने आज जब पहली बार आए थे बाइक के लिए, हम लोगों को उत्तराखंड के लोग मिल रहे हैं पिथौरागढ़ के, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे, ठीक है वॉइस। अभी हम लोग वापस आए अपने फ्लैट पर, एंड एल्विश भाई को छोड़ दिया, वी आर मीटिंग द मेट 12 अगेन बिकॉज अली भाई का तब ऑफ हो जाएगा, बट फिलहाल रूम पे चलते हैं और एक से मिलते हैं, उसकी तबियत पूछते हैं ऐसी है। सो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके थे रूम में, और ये लड़की फाइनली उठ चुके सब, तबियत ठीक है बाप? खराब भी होगी तो क्या?
कल वाले 10 घंटों को बदला भी तो लेने। हर बदला उसी दिन लेते हो, अगर मैं 4 घंटे गायब होती हूँ तो खुद भी 4 घंटे गायब होते हो, मैं 2 घंटे गायब होती हूँ खुद भी 2 घंटे, आज भी 6 घंटे गायब थे, मैं बीमारी आप सो रही थी, आप 6 घंटे भी नहीं गायब। कल बीमार थी तो बताया मेरे को कि बीमार हो तुम, ये बताओ पहले बताया। फिर तो नाश्ता वो नहीं बताओ, नाश्ता के नाश्ता खिलाया, चाय पिलाई, वो मत बताओ। नाश्ता खिलाते अंडे के साथ, जो मैं अंडा खाती ही नहीं कभी, स्मेल आती है, दोबारा मुझे खा खिलाते चाय में डिप करती हूँ, जो चाय भी मुझे पसंद ही नहीं है, वो अली मुझे पसंद ही नहीं चाय, वैसे भी फिलहाल तो थिंग इज गाइस हम लोग गए थे बाहर, एंड मैं आपको बता देता हूँ एल्विश भाई भी ना मस्टैंग जीटी ले रहे हैं, मस्टैंग जीटी का फाइनल कर रहे हैं, तो उनकी मस्टैंग जीटी ना इंडिया में ढूंढनी पड़ेगी। एंड फिर सोचो क्या क्रेजी सीन्स होंगे जब दोनों भाइयों के पास मस्टैंग जीटी होगी। एंड थिंग इज गाइस अभी अली भाई आ रहे हैं, हमारी एक बंदे से यूरिस की बात हो रखी है अभी, एंड शायद गाइस वो अभी यूरिस लेकर आएगा, एक्चुअली ही इज अ नोन ओनली, सो बस अली भाई का वेट कर रहे हैं, जैसे अली भाई आते हैं मिलाते हैं उनसे, और मालिक कुछ खिला दो, मालिक बहुत भूख लग रही है गाइस, सच्ची में बहुत भूख लग रही है। ओके गाइस तो भी खाना आपने खाना बनाया था? इसने नहीं बनाया? तो फिलहाल गाइस इकरा ने खाना खुना बना दिया, मैंने तो उसे बोला था मैं सिंडी डब्बे लेके जा रहा हूँ, उसकी तबियत खराब होगी इसलिए नहीं जा पाए, बट म्यूजिक वीडियो के कपड़े को पड़े थे गलत फहमी गाइस, बहुत ज्यादा गलत फहमी है। तो कल ना साहिबा का शूट भी है, एंड टुमारो इज गोना बी बिग डे। लाल गाइस खाना गुना खाते हैं, बहुत भूख लगी गाइस। तो गाइस अली भाई इज फाइनल ईयर, एंड मैं जा रहा हूँ, और ये खोल दिया दरवाजा, बाय गाइस, याद मत करना इनको, और कहीं जाना मत किसी और के साथ। गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं फ्लैट से, अली भाई आ चुके हैं एमजी लेकर के, और इतने दिन बाद गाइस एमजी देखने को मिलेगी, आई रियली एक्साइटेड टू सी हिम, बहुत दिनों का मिले भी नहीं थे, सो लेट्स गो गाइस। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग सर? व्हाट्स अप अली भाई, क्या चल रहा है? व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मैं अनुराग डोभाल का बेस्ट फ्रेंड हूं अब भाई मेरे। सो गाइस अली भाई इज कल हम लोग मिल नहीं पाए, बिकॉज कल हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, बिकॉज इतने दिन से हम लोग गेड़ी मार रहे थे, एंड अब न्यू ईयर भी आने वाला है, तो फिर न्यू ईयर के टाइम तो और भी बिजी होने वाला है शेड्यूल। फिलहाल अली भाई को हम लोग मिलवाने वाले हैं एल्विश भाई से, एंड अली भाई को एक सरप्राइज दें। अली भाई वी आर फाइनलाइजिंग लैम्बोर्गिनी यूरस, बिकॉज लोगों के कॉमेंट आ रहे थे कि बाउ वी आर लैम्बोर्गिनी यूरस, लैम्बोर्गिनी यूरस, सो लैम्बोर्गिनी यूरस, सो यूरस 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 गाइस, इतनी महंगी गाड़ी है बोलना भी नहीं आता, यूरस मतलब ऐसा लग रहा है आम का रस निकाल, लैम्बोर्गिनी यूरस यूरस लैम्बोर्गिनी यूरस गाइस। बहुत बहुत बड़ा पार्ट है मेरे लाइफ का, जिन लोगों को पता है उन्हें पता है कि
मतलब व्हाट आई बीन थ्रू. सो ये गाना बहुत क्लोज होने वाला है और मैं अपने दोस्तों के साथ शूट कर रहा हूँ ना गाना दुबई में, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. सो हम लोग इस गाने को किल करने वाले हैं कल म्यूजिक वीडियो के साथ. आई एम रियली इमोशनल बट ये गाना बहुत बहुत फाड़ेगा गाइस. और ये लव एंथम होगा गाइस. आई जस्ट वांट टू शेयर इन जिसने गाना रिलीज होगा ना, आई जस्ट वांट यू टू शेयर इट एंड टैग करना. हम लोग एम कर रहे हैं 2 लाख लाइक्स का. हम लोग लास्ट वाले में 1 लाख लाइक्स करे थे बट इस टाइम हम लोग एम कर रहे हैं गाइस 2 लाख लाइक्स. 2 लाख लाइक्स क्या इस गाने पे हो पाएंगे. तो जितने भी लोग जब ये रिलीज होगा ना गाइस प्लीज शेयर इट, टैग इट इंस्टाग्राम स्टोरी एंड एवरीथिंग. आई जस्ट वांट टू सेट रिकॉर्ड्स. लास्ट वाले गाने के रिकॉर्ड भी तोड़े थे एंड इस वाले गाने के रिकॉर्ड है गाइस 2 लाख लाइक. 2 लाख. So the bass was on point. Yeah, must be there. Because like if it's not on point, wo dil ko nahi dil ko. So that was on point. And then the music is so, you know, so soothing. Like I really enjoy it. Chalega Ali bhai ka na? Bhai daudega. Full power. I'm super happy. मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो you know motivate me through anything. And I'm really excited for the shoot guys. कल हम खत्म करेंगे. फिलहाल एलिश भाई से मिलने चल रहे हैं. वो बेचारे वेट करें हमारा. So let's go. चैलेंज दे रखा है एलिश भाई को कि 10 जनवरी से पहले अगर जी टी नहीं तो क्या करोगे. डबल पैसा बोला तो था भाई. डबल पैसा अनुराधा वाला. गाइस अगर 10 जनवरी से पहले अगर एलिश भाई की जी टी नहीं ना तो फिर मैं जो बोलूंगा लिखे वो डन है. एलविश भाई हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन भाई. यू नो दैट जिन लोगों को पता नहीं पता कि भाई जब मेरा वॉश टाइम चल रहा था तो ही वाज दी गाय हु सपोर्टेड मी एट माय वर्स्ट ऑफ द टाइम. सो भाई ऐसे भाई मिलना ना बहुत मतलब आई फील ऑलवेज प्राउड कि भाई मेरे पिताजी जब इनके ब्लॉग देखते हैं तो बोलते हैं भाई यादव यादव को एक करके लड़का था सब लोगों को पता है वो टाइम. बट थैंक यू सो मच एलविश भाई सपोर्ट करने के लिए. बाकी गाइस मस्टैंग जीटी सो बाकी ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं. दिस इज यू विद रिजल्ट हैंग ऑफ. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. मैं बोलूंगा बीच से आपको बोलना राइट से. ठीक है क्या बोलना है आपको. राइट से बोलना है. राइट से. हाँ और लास्ट में ना पुई करना होता है हमारे एक डायलॉग है. लव का साइन. ठीक है पुई. सो दिस इज यू गाइस रिजल्ट हैंग ऑफ. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बी सेफ एंड राइट से. पुई.